बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूं जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की अपडेट। अभी एक भाई बारिश लगी हुई है जजान एरिया में मौजूद हूं। मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं, पहले भी एक दो वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन ये 7-8 दिन हो गए और अभी मजीद मुझे लग रहा है कि 7-8 दिन और चलेगी। तो सर्दी बनी हुई है भाई, जो यकीन सच्ची बात है यार। बात कर लेते हैं आज की न्यूज के ऊपर, यानी कि आईफोन XR की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आप भाइयों ने किसी और मोबाइल के मुतालिक जानना हो तो मेरे चैनल के ऊपर जाइए, यहां पर आपको स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा रहा हूं। प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करें, प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद भाई यहां पर आपको प्लेलिस्ट एक मिलेगी मोबाइल रेट्स इन सऊदी अरेबिया। इसके ऊपर क्लिक करें, आपको मैं सैकड़ों वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आप जिस किसी भी मोबाइल की वीडियो देखना चाहते हैं वो आपको यहां से जरूर मिलेगी। ये रहा जी आपके सामने आईफोन XR जो कि यूजेबल में है। अच्छा, सऊदी अरब की मार्केट वगैरह में ये कितने का है? आप सऊदी अरब किसी भी शहर में हैं तो आपको मेरे हिसाब से भाई कितने तक का लेना चाहिए। आप भाई के साथ इस मोबाइल की कंडीशन वगैरह और इसके प्राइस शेयर करता हूं। इसके अलावा भाई आपको यहां पर मैं और भी नीचे दिखा रहा हूं, यानी कि येलो कलर में भी पड़ा हुआ है और उसके अलावा दो कलर इसमें अवेलेबल है। मैंने बोला आपके साथ चलो ये शेयर कर देता हूं। सबसे पहले अगर इसके बैक कैमरे को, बैक कैमरा मैं चेक कर रहा हूं, देखता हूं उसको भाई। ऊपर जो मिरर वगैरह रखा गया साइडों पर, जो कलर पड़ा हुआ ये ओके होना चाहिए। इसके ऊपर कोई किसी किस्म की खराश या दाग धब्बे का निशान नहीं होना चाहिए, वरना आपके मोबाइल के प्राइस भाई काफी डाउन हो जाते हैं। नीचे एप्पल वाले का लोगो है जो कि काफी अच्छी लुक दे रहा है। क्यों भाई? ये सिल्वर कलर में उठ रहा है तो इसके ऊपर भी कोई खराश नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ओके आईफोन, डिजाइन बाय कैलिफोर्निया बाय चाइना, जो कि हर किसी के नीचे लिखा होता है चाइना चाइना। स्पीकर के लिए चार्जिंग की जगह बिल्कुल ओके है। स्पीकर के लिए हल्की फुल्की धूल है, लेकिन मोबाइल मेरे हिसाब से नीचे से भी बिल्कुल ओके है। साइडों से मैं चेक कर रहा हूं, कोनों से ऊपर नीचे से मोबाइल को देखता हूं, कहीं कोई दाग धब्बे का चोट का निशान ना हो मोबाइल में, बिल्कुल नहीं है जी। मोबाइल बिल्कुल ओके है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। बैक साइड से तो मोबाइल बिल्कुल ओके है। हाँ, एक आध खराश जरूर होती है यार यूजेबल मोबाइल में, खासकर जो 2-3 साल पुराने मॉडल हो तो वो कोई मसला नहीं होता है। मेन चीज होती है मोबाइल रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6 और 1 इंच का ऊपर वाली स्पीकर के लेंगे। ऊपर वाले सेल्फी कैमरे की बात करें तो वो भी आपको 12 मेगापिक्सल का मिलेगा, सॉरी यार 7 मेगापिक्सल का मिलेगा। आप इससे 1080 की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्पीकर के लेंगे ऊपर वाली ये भी बिल्कुल ओके है, जिसमें कोई किसी का मसला नहीं है। यहां पर आपको बैक कैमरा जो 12 मेगापिक्सल का रखा गया है, इसका भाई यहां पर आपको मैं रिजल्ट भी चेक करवा रहा हूं। 180 प्लस 4K वीडियो आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो भाई आपको बैटरी में इसकी हेल्थ भी चेक करवा दूंगा। और यहां पर अगर बैटरी ओरिजिनल की बात करें तो आपको 2942 यानी कि 3000 ही बोल रहे हैं यार, 3000 mAh की बैटरी मिलती है और 15 वाट का फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर से आपको इसके साथ मिलेगा। यहां पर बैटरी हेल्थ इसकी देख ली 100% है जी, तो ये मोबाइल रिप्लेसमेंट है जी, क्योंकि 100% भाई बैटरी इस मॉडल की नहीं हो सकती है। तो सिंपल सी बात है जी, इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट की गई है। लेकिन अगर आपको वारंटी मिल रही है, वो शॉप वाला दे रहा है, तो कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। नीचे मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, आईफोन 12 प्रो पड़ा हुआ है, XR येलो कलर में पड़ा हुआ है, Huawei Y9A पड़ा हुआ है 2020 मॉडल। लेकिन मैं अभी इसके प्राइस से आपको अपडेट करता हूँ। 64, 128, 256 GB ये 3 स्टोरेज में अवेलेबल है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 128 GB 3 GB रैम के साथ, तो ये शो वाला इस वक्त इसके भाई 1400 रियाल मांग रहा है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट मांग रहा है। लेकिन आप भाई मुझे कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं। सऊदी अरेबिया से, खासकर सऊदी अरेबिया से किसी मार्केट वगैरह से किसी भी मोबाइल के मुतलक जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।